अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश क्लास 8 का यूनिट नंबर 2 करेंगे, द हार्ट ऑफ प्रोफेसर सिल्वरफिश। इसके हम सेकंड पैराग्राफ तक अपनी लास्ट वीडियो में कर चुके थे, आज हम थर्ड पैराग्राफ करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर प्रोफेसर सिल्वरफिश लिली को अपने दोस्त यानी जॉन के बारे में बताते हैं कि 7 साल पहले मैं और तुम्हारे वालिद साथ में काम करते थे, यानी लिली के वालिद आपस में साथ में काम करते थे हाइब्रिड मशीन पर। ये एक ऐसी मशीन है जो पावर से चलती है, जिसकी वजह से हरकत पैदा होती है। तुम्हारे फादर नए इंजन से मशीन तैयार कर रहे थे और मैं बायोनिक्स की पढ़ाई कर रहा था। बायोनिक्स इंसान की जगह इस्तेमाल होने वाली मशीन की स्टडी को कहते हैं, जैसा कि रिबोट। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं सोल्जर की देखभाल करता था जंग में, लेकिन मैं कुछ लोगों की ही मदद कर पाया क्योंकि मेरी खुद की तबीयत ख़राब हो रही थी, मेरी सांस की तकलीफ बढ़ गई थी और मैं अपनी पढ़ी हुई चीज़ों को भूलता जा रहा था। डॉक्टर ने मुझसे बहुत सारे टेस्ट करवाए तो पता चला कि मेरा दिल प्रॉपर काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से मेरी मौत वाकई हो सकती है। मुझे तुम्हारे फादर ने मदद का कहा, वो इंसानी दिल की कॉपी बना रहे थे क्लॉक का काम करके, यानी वो क्लॉक पे जो इंसानी दिल बना रहे थे वो अपना काम जो क्लॉक का काम करते थे उसे पैसे जोड़ जोड़ के वो जो है वो दिल की कॉपी बना रहे थे, यानी वो अपनी फाइनेंशियल ज़रूरत जो कि इंसानी दिल बनाने में लग रही थी क्लॉक का काम करके इसकी कमाई हुई रकम से इस पर लगाते थे। उन्होंने सोचा कि वो अपना हर काम मुकम्मल कर लेंगे और इसको दिल की जगह लगा देंगे तो मेरी ज़िंदगी हो सकता है कि बच जाए। मैंने उनकी बात मान ली और उन्हें पेमेंट की ताकि वो उस पर काम कर सकें। अब जो है यहाँ पर रॉबर्ट कह रहा है इनकी बात सुनकर प्रोफेसर सिल्वरफिश की, ऐसा लगता है कि उन्होंने ये काम अच्छे तरीके से कर दिया। रॉबर्ट अपने आप को रोक नहीं पाया और इसका ध्यान प्रोफेसर के चेस्ट पर लगे हुए डिवाइस की तरफ गया। उसे उम्मीद थी कि वो मगरू नहीं लग रहा होगा। अब प्रोफेसर सिल्वरफिश कहते हैं अरे ये क्या हुआ, अपने डिवाइस को उनको हाथ अपने डिवाइस जो उनके गले में लगा हुआ था उस पर हाथ लगा कर कहा, ये शुरू से ही हॉरिबल है, इसको रोज़ सही करना पड़ता है, मुझे लगता है ये सबसे बेकार मशीन है।